अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिर छाक जे सगन मां समर निज़ाम अवां सगन हाजिर आया। नाज़रीन ताके बुधाइंदा हलौ त अॼु असां जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं, उन में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ साहिब जिन फरमायो आहे त जेके माण्हू पार्टी छॾे विया आहिनि उहे पहिरियां बि लीगी न हुआ ऐं हाणे बि न आहिनि। ही उहे माण्हू आहिनि जिन मुंहिंजी सदारत लाइ वोट न ॾिनो हो, हाणे उहे माण्हू सियासत ऐं मुल्क खे बदनाम करे रहिया आहिनि। मतिलबु जेके नून लीग छॾे रहिया आहिनि उहे नून लीगी न हुआ। ऐं तव्हांखे हिकु ॿुधाईंदा हलूं त कल्ह तलाल चौधरी साहिब बि चयो त जंहिं जंहिं हल्के में इहे माण्हू हूंदा हुया, रजिस्टर हुया, उन हल्के में असांजा टे नुमाइंदा ऑलरेडी ॿिया बि मौजूदु आहिनि। अगरि इहे वञनि था त नो प्रॉब्लम, असांखे कोई फ़र्क़ु नथो पए, सुठी ॻाल्हि आहे। ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॿुधायूं त अमेरिकी सिफारतकार, तव्हांखे ख़बर आहे त टे ॾींहं अॻु में उन जी गाॾी जे हथां हिकिड़ो नौजवान जो मर्डर थी वियो ऐं ॿिए नौजवान जो ॿई लेग्स डैमेज थी वियूं। उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ॻाल्हियूं चयूं पियूं वञनि, ॿुधण में अचे पियो त उनजो नालो ECL में ॾिनण जे लाइ रिक्वेस्ट कई वई आहे, पर अञा ताईं उनजो नालो ECL में न आयो आहे। ॿिए तरफ़ तव्हांखे ख़बर आहे त रेमंड डेविस जी किसे ताईं ख़बर हुजे त उहो बि लाहौर में किसो थियो, ॿ नौजवान उते मारिया विया ऐं बाद में तव्हांखे ख़बर आहे त उहो कीअं मसलो हल थी वियो। ऐं रेमंड डेविस जी जॾहिं बुक आई त उन बुक में असांखे ख़बर पई त असांजे पाकिस्तान जा कहिड़ा कहिड़ा पॉलिटिशन उन सां गॾु मिलियल हुया। ऐं इहा ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि आहे त तव्हांजो अगरि कोई साथ ॾिए त उन खां पोइ तव्हां बुक्स कढो त असांजे सियासतदाननि जो नालो बि ख़राबु कयो, काश असां सियासतदान सम्झी सघनि। ऐं ॿिए हवाले सां PTI जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त PTI उन क़ाबिल थी वई आहे, छो जो नवाज़ शरीफ़ साहिबु हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि कई आहे त हिन दफ़े जेके इलेक्शन थींदा उहे फ्री ऐं फेयर इलेक्शन न थींदा। मतिलबु धांधली जो चांस आहे, उमेदु आहे, ऐं PTI उन क़ाबिल थी वई आहे त उन धांधली खे रोके सघे। इमरान ख़ान जो कल्ह मां हिकिड़ो इंटरव्यू पियो ॿुधां, हुन में इमरान ख़ान साहिबु चए पियो त 2013 जे इलेक्शन में असांखां हिकिड़ी ग़लती थी वई, असां उन्हनि माण्हुनि खे टिकट्स ॾिनियूंसीं जिन माण्हुनि खे ख़बर ई न हुई त इलेक्शन कीअं विड़िबी आहे, ऐं हिन दफ़े असां उन्हनि खे टिकट ॾेई रहिया आहियूं जिन खे ख़बर आहे त इलेक्शन खटिबी कीअं आहे। त इहा बि ॾाढी हुननि सुठी ॻाल्हि कई। अगरि थी थो सघे उते कोई अहिड़ो न्यूट्रल कोई एंकर पर्सन वेठो हुजे त उन खां ज़रूरु पुछां त सर इहो तव्हांजो इशारो काॾे आहे। ख़ैर, तव्हांखे ॿुधायूं त असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे जिन सां असां ॻाल्हाईंदासीं सरदार ज़ैन अंसारी साहिब जिन ऐं ज़ारा नाज़ी PTI जूं। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू सर, तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। सर, सभु खां पहिरीं त नून लीग जो असां ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं त नवाज़ शरीफ़ साहिबु चए थो त फ्री ऐं फेयर इलेक्शन न थींदा हिन दफ़े। मतिलबु छा उन्हनि पंहिंजी हार तस्लीम करे सघी आहे त वाक़ई में फ्री ऐं फेयर इलेक्शन न थींदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमामु बहितरीन सुवाल आहे। हाणे ॾिठो इहो थो वञे त जेके हीअ सेनेट जी इलेक्शन थियूं, जी सेनेट जी इलेक्शन में छा थियो, जो रिज़ल्ट छा आयो ऐं उहे कीअं थियूं, ज़रदारी साहब ऐं इमरान साहब कॾहिं पाण अॼु ॾींहं ते हथु नथा मिलाए सघनि, साम्हूं नथा मिलनि। हाणे बि हुन ॿुधो, हुनखे हुन जी तनक़ीद थो करे, हुन कहिड़ी ताक़त हुई जो उन्हनि खे ॿिन्ही खे मिलाए, हालांकि अक्सरियत असांजी हुई सेनेट में, कहिड़ी ताक़त हुई जो उन्हनि ॿिन्ही खे मिलाए करे उहो अक्सरियत वठी वरी ऐं हुननि खे हिकिड़े थांव में खाराए। भले माण्हू एतिरा चरिया न आहिनि सिंध जा, माण्हू हाणे असुल खां समझदार आहिनि त ही पुछूं छा आहे, पुछूं का आङुर आहे या वरी जजमेंट जो जेको हणंदा आहिनि इहो बस करण लाइ, इहो चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस हणंदो आहे त ढक 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 हूंदो आहे, बसि चप सभु रुकियो, सभु सम्झूं था। आम माण्हू बि सम्झे थो, पर मां तव्हांखे ॿुधायां त सिंध जो जेको बकरार आहे उहो BBC ॿुधंदो अथव, रेडियो हूंदो आहे, ॿुधंदो आहे। हीअ सभु माण्हू सम्झनि था त हीअ छा थींदो, अॻिते छा थींदो, एतिरा असां बि चरिया कोन हूं न, पाकिस्तानी क़ौम चरी आहे। हीअ वरी पाण में मिलींदा, पोइ धांधली थींदी त नवाज़ शरीफ़ साहिबु उन इशारो कयो जीअं हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो अगरब आहे ॿियो मगरब आहे उहे मिली सघनि था त इलेक्शन में बि धांधली कराए पाण खे ॿियूं जेके वॾियूं कुवतूं आहिनि जेके मुल्क खे पाण सम्झनि थियूं त असां ई एबल आहियूं, असां हिन मुल्क खे ॻाल्हाए सघूं था, वारस असां ई आहियूं, उहो असां हुनखे हलाईंदासीं। पोइ उहे वरी अहिड़े सिस्टम सां ठाहींदा आहिनि, पोइ उहे ठपाई पाण हणाईंदा आहिनि, ख़बर छा थींदो आहे, उहो ई थींदो आहे त मिसाल तौर 5,000 माण्हुनि 5,000 वोट जेको हाराए थो, हुनजी पोलिंग धार हूंदी आहे, कंहिंखे ख़बर कान हूंदी आहे। पोइ उहे वरी उते ठप हणी 5 जा 10,000 करे छॾींदा आहिनि, बाबा फलाणो माण्हू खटी वियो, थींदो आहे पाकिस्तान जी सियासत में, इलेक्शन में थींदो रहंदो आहे। नवाज़ शरीफ़ साहिबु ग़लति न चयो, मतिलबु इहो सेनेट जे इलेक्शन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहिब खे यकीन थी वियो आहे त बसि शायदि असांजी हार आहे ऐं धांधली थियणी आहे। न, इलेक्शन बि विढ़ंदो, नवाज़ शरीफ़ जी पार्टी इलेक्शन मज़बूती सां विढ़ंदी। हाणे ॾिसो हिन वक़्तु पंजाब में नवाज़ शरीफ़ जी केतिरी पोज़ीशन आहे, पंजाब में जेके माण्हू
छाकाणि दिस इज नेचुरल फिनोमेना त हर को माण्हू पंहिंजे लीडर सां प्यारु कंदो आहे जी जेके थोरा घणा हेॾे होॾे हुया पर हिन हिन जेके फैसला आया जेके फैसला कोर्ट ॾिना पनामा खां पोइ जी सर त उन में हू वधीक चमकी पर मां ॾिसो नथो चवां पर सॼो पाकिस्तान थो चवे त संपेतिस जेके आहिनि उहे नवाज़ शरीफ़ सां माण्हू जूं तयारु आहिनि त ज़ुल्म थो थिए वरी फ़ैसिलो अचण वारो आहे ऐं उहो मतिलबु नवाज़ शरीफ़ लाइ फ़ाइदेमंद थींदो मां त चवांसि थो जेकर इंसाफ़ सां थिए त हुनखे ॿधनि न त ॿियनि जे फ़ाइदे में अॼु ॿधनिसि था हुनखे ज़ोरी ज़बरदस्ती करे बाबा त पोइ उहो त अमर थी वेंदो पर मुंहिंजे ख़्याल में मुल्क छॾण जी बि अचूं था ॻाल्हि ते पर हाणे हू नवाज़ शरीफ़ हिन जो मुल्क छॾे वञे हाणे हुनखे ख़बर पइजी वई आहे त हीअ छा आहे चाढ़ी जो अॻे जो मथे मदे मुक़ाबले माण्हू हुउसि मुशरफ़ उहो हुनजे जान जो प्यासो हुयो उहो त हुनखे फांसीअ ते लटकाइण लाइ बि तयारु थी वियो हुयो छाकाणि त इन्हनि खे भुट्टे साहिब खे जो फांसी आई त छा थियो ऐं हीअ जेके नवाज़ शरीफ़ खे फांसी ॾियनि त छा थिए आहे हुनजे दिमाग़ में आहे पर हीअ जेको केस आहे फांसीअ जो न आहे हीअ जे करे कूड़ो सूड़ो बि केस ठपकियो ठहंदा या कूड़ी सूड़ी सज़ा आयसि त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में त एतिरी हू ग़लती न कंदा जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ खे जेल में विधो ऐं नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेल में हलियो वियो त पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में सॼे पाकिस्तान में स्वीप कंदो पोइ भले केतिरी बि दादली कनि 5,000 आहिनि 10,000 वोट विझाइनि कंहिंखे पोइ उन खे लख वोटनि ते डिफीट हूंदी ओके ओके अच्छा हज़ार में आपसे पूछूंगी कि वाकई में सेनेट के जैसे इलेक्शन हुए तो हमने देख लिया पीटीआई पीपी एक साथ हो गई वरना तो पीपी और पीटीआई तो लगता ही नहीं था कभी साथ हो सकती है आने वाले इलेक्शन है उसकी भी बातें हो रही हैं तो आपको वाकई में ये क्या लग रहा है कि इस बार धांधली आप लोग कैसे रोकेंगे नवाज शरीफ को कैसे माइनस करेंगे या हो सकता है सारी सीटें पीपी को मिल जाएँ नहीं पीपी को तो नहीं सारी सीटें मिलेंगी पंजाब से तो पीपी को कोई सीटें मिलने वाली नहीं है क्यों बिलावल साहब मुल्तान में बड़े एक्टिव हैं कुछ भी कर ले पीपी 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 पंजाब से सीटें नहीं लेगी अच्छा सिंध से वो लेगी भी लेकिन सिंध में होती है धांधली ठीक है क्योंकि मैंने सिंध में सखर लाड़काना तक का विजिट किया हुआ है ठीक है जी तो जो मैं सिंध की कंडीशन देख कर आई हूँ कि सिंध में एजुकेशन ही नहीं है ठीक है तालीम ही नहीं है लोगों का मैं कह रही हूँ कि लोगों का दिमाग है ना ब्रेन जैसे लगता है कि बिल्कुल खाली है उनको किसी चीज़ की कुछ पता ही नहीं है उनको कि दुनिया में हो क्या रहा है मतलब ये कंडीशन है ठीक है और वहाँ पे जो स्कूल्स के हाल हैं जहाँ पे ये इलेक्शन होगा आप खंडर बने हुए वहाँ के स्कूल सिंध की मैं बात कर रही हूँ मैं भी सिंध पर आऊंगी फिर मैं आगे और चीजों पर आऊंगी स्कूल्स का तो दुख है काफी सारे जगहों पे स्कूल्स बंद है ये तो है ठीक है स्कूल्स की जो कंडीशन है वहाँ पे खंडर बने हुए ठीक है लोगों को पता ही नहीं कि ये स्कूल है ठीक है अगर स्कूल और उन्ही स्कूलों में इलेक्शन हमारे इलेक्शन की जो टीमें होंगी वो उन्ही स्कूलों में जाएंगी ठीक है वहाँ के लोगों को कुछ किसी चीज की कोई अवेयरनेस नहीं है स्कूल बंद क्यों किए हुए कि ये लोग पढ़े क्यों नहीं सिंध के लोगों के लिए मैं ये सिंध हुकूमत को मैं क्लेम ही करूँगी कि आप लोग तालीम पे क्यों नहीं तवज्जा देते क्योंकि इतने सालों से जो इनका सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि ये किंग बन के बैठे हुए हैं सही है क्यों नहीं ये लोगों को तालीम देते क्योंकि लोगों को तालीम देंगे तो उनको शऊर आ जाएगा ठीक है वो पढ़ ले जाएंगे तो उनको पता होगा कि ये सही है हमारे लिए ये गलत है हमारे लिए मतलब खैबर पख्तूनख्वा में तालीम का मसला हल हो चुका है सेहत का मसला हल चुका है देखिए और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता वो भी मसले हल देखिए हेल्थ के देखिए खैबर अब हमारी हुकूमत खान साहब की हुकूमत अभी आई है ये भी 5 साल या 4 साढ़े 4 साल हुए अभी साल होने वाले पाँच साल चले 2-4 महीने बाद हो जाएंगे 2-3 महीने बाद ठीक है 2013 के बाद हमें हुकूमत मिली है वहाँ की ठीक है आप मुझे ये बात बताएं कि नून लीग के तो नवाज शरीफ साहब तो 3 दफा बन चुके हैं उन्होंने कौन सा कमाल किया पीपल पार्टी ने कौन सा कमाल किया ठीक है सही है इन इन पार्टीज का देखिए हम तो अभी इनके आगे जो है वो क्या कहते हैं बेबी है बेबी है पीटीआई तो बेबी है देखिए देखिए ज़ारा आपने मान लिया अभी तो आप इन पार्टियों के मिले बेबीज है तो मेरी एक बात सुन ले ठीक है जो अभी खुद बेबी है वो पूरे मुल्क को कैसे संभालेगा क्यों ये कैसे हो सकता है पीटीआई पूरे मुल्क को कवर करे 5 सालों में केपीके को कुछ नहीं किया अभी तक नहीं क्यों नहीं केपीके ने क्यों नहीं किया आप केपीके के नहीं रोल मॉडल बता दे समर देखो आप केपीके के स्कूलों की स्कूल देखें कितने जबरदस्त हो गए ठीक है वहां पे आप जो है हेल्थ के इश्यूज जितने भी थे अगर जो लोग नहीं गए उनको नहीं पता हेल्थ को तो आप लोगों ने दूर मतलब दूर किया नहीं और आपके नहीं हेल्थ की वहां पे प्रॉब्लम नहीं जो हमारा लीडर
लीडर खान साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो लीडर जब हुकूमत उनकी वहाँ पे बनी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे उससे पहले ही उनका शौकत खानम बन जाता है, ठीक है, जो कराची में भी शौकत खानम उनका ओपन हो रहा है, लाहौर में हुआ है, इसके अलावा पिशावर में हुआ है, अब उन्होंने कोयटा का भी कहा है, इसके अलावा और जगहों पर उनके अपने पहले के प्रोग्राम भी कितने सारे वो कर चुके। आप मुझे बताएं कि जरदारी ने कौन सा हॉस्पिटल बना लिया, नवाज शरीफ ने कौन सा कमाल कर दिया, जरा इनके कमाल आप नहीं, तो दुखे, ये तो दुखे सर इन गाल का ताक वाकई में पुछंदास तरी सो पंजाब में हेल्थ जे पॉइंट ऑफ व्यू का डाडो पोइते पेला पंजाब तहां रुगो रोड रस्ता ठाए छड्या सिर्फ लाहौर जा ताहा के लगे तो बाबा नून लीग तो वडा कारनामा सर अंजाम ने ना केड़ा कारनामा सर संजा ने ना बीबी न्याजी साहिबा जे गाल करे पई जी त बेबी या बेबी बेबी कोई कोन हुंदो आसे सियासत में स्टार्ट तो ये सर हमेशा बोलते हैं पीटीआई वाले बोलते हैं हम तो भी आए हैं पांच साल होने वाले साल ये तो बोलते थी हैं ये जारा बोलते आप एग्री पंज साल उनके थी हैं केपीकी में पर तो अस्पताल जका मुबशर लुकमान जो माइको दर प्रोग्राम सा पे तो उन्हें जको दिखारन पे तो ही अस्पताल आया ही आया ये आया उन्हें का बाद में जो उनके सही करे मुख इन ते अफसोस थयो तो ही क्या है केपी में अच्छा एजुकेशन जो भी हाल जो हुआ है उते वो भी तमाम बदतर आज नाल एतरी 50% बजट इन खत्म कई है 50% बजट बची पी अन जो वापस वे अच्छा यूटिलाइज ही न थी नथी आ अच्छा नंबर में वण बिलियन ट्री हाँ बिलियन ट्री वो थे उन्हें हालत यह है उन्होंने जो हाँ नेप में वो केस वो है जी तो यानी 30 रुपये मिसाल तो 30 रुपये चक्की या 300 रुपये चक्की कड़ियों वो भी टीवी से आयो टीवी प्रोग्राम हल पे तो वो जो सेक्रेटरी हो जंगलात जो वो एडो आम आ कर जान छे सवाल यो ना सवाल यह जैस तई जी बीबी नाजी सिंध की हालत खराब है मैं एग्री तो क्या सिंध की वाकई हालत खराब है पर सिंध जो मू चे दिमाग में का शे कान वा होशियार जहीन है सिंध के मानू के यो चवन जहीन ना वह गलती है सिंध बुधो बुधो असदान की गलती है नवाज शरीफ की गलती है अच्छा जो नवाज शरीफ साहब न जरदारी से दोस्ती न निभाया जरदारी साहब भी दोस्ती निभाई सर ना बुधो बुधो दोस्ती निभाई एक एआरडी में जो मीसा के जमूरियत तैयार उन्हें यो भी हो तो असा मू न खो असा मू न लोटा बगजम के खिलाफ हुआसि पर जैसे पेरी भेरी गर्द आबदा हुसैन सैयद आबदा हुसैन असें छे कर पीपीएम जैसे ऐलान किया ते वो ऑब्जेक्शन वरतोस तो ये तुम हई हाँ पंज ढी तो मस थे सही तो आबदा चंदी के छो खो है ये थे तो बाकी इ अस उत कम वा क्या कम वा न थन करप्ट तरीन मुझे ख्याल में तो सिंध का भी वही करप्शन जी थी वह केपीके में थी पर वो हे सिंधी मानू के अफाल है को करप्शन कन तो ओपन था कन धन बस याली मदद थी वही बाबा हल खाई वन पी वन कुछ को करप्शन सारी मुल्क में है पंजाब में भी करप्शन आ हर सूबे में करप्शन आ तो उनको सबब चाहे कि रोकजे सर रोकने की गाल कोने असा मा ता का जो को सवाल पूछो हॉस्पिटल जो तो पंजाब में का हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल 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 जो मा बताया तो जी हॉस्पिटल उत आ पर बीमार मानु घणा हैं साकाने पॉपुलेशन जे लिहाज का जतरी हॉस्पिटल ठन घर जन पंजाब में न सही मन उने के माइग्री तो कया जतरी अस्पतालू पॉपुलेशन पंजाब जी आ ओतरे हिसाब सा अस्पतालू न हैं गवर्नमेंट पंजाब फैसिलिटीज छाने मूँ घना था अच्छे तो उन्हें कमरन को हटी कर सिग्नल फ्री जोन पॉपुलेशन ना पंजाब की उनके लिए अस्पताल जो अस्पताल होजन मां जो जवाब के पॉपुलेशन होने के अस्पताल अस्पताल ठहन खपन तालीम जो हाँ दानिश उच्च तालीम तमाम जबरदस्त है दानिश दानिश को नालो नडो सर यो किसो भी रहला इने के विजान खोलबो तो खोलो था हाने खोले छियो अस वेलकम था जो वो आए बनस्पत बन सुबन जे तालीम होते पंजाब में तमाम सुठी आ हाने भी ताके बताया ता 3000 चाइनीज लैंग्वेज सेंटर पंजाब में अस को है सिंध में केपीके में को है ना
मकसद में मुझ बस जी है बीबी नादी चयो त सर इतना ही शुरुआत कंदा वक्त जो है ब्रेक जो ब्रेक द ऑटो सर अर्जेंट ब्रेक का सो नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो ब्रेक अप वरी हाजिर थींदा सी वेलकम बैक नाज़रीन अजी सर ता गाल करे रिया हॉस्पिटल जो मैं सवाल पूछो गाल क्यों जी बीबी नाज़ी चयो त इमरान खान जी शौकत खान हॉस्पिटल जका है लाहौर जी या वर कराची में भी शाखा खुली है केपीके में भी खुली है ये बिजनेस है कहीं गरीब जो इलाज तो थे जो भी वही तो गरीब कन था उन चवन था सजी टे पांच छह महीने तक इंक्वायरी थी हल्ले तो बबा वो वो टीमू जो ठहन उन जांच थी कन आया गरीब आए ना है फलाना टीरा मटीरा तो जैसे वही गरीब भी छो थे तो ऐसा था इन केतोते है जो पंज अठ लख रुपया अथस तो उन्हें चवन भला हाँ ये कर दह लख थी तो जा तो पंज लख जमा कर ये बिजनेस है भाई खबर पे मुझे दोस्त है नालो भी मानो खड़ा तो साजिद वो भी गुजर है लाहौर जो हाफिजाबाद में उनको घर है उनके पी के कैंसर थी तो वो जैमें उतरे वो तो उन्हें मैं इतना पैसा ना तो खर्च कर सकता गरीब आया उनकी जांच क्यों फल ते छह लख वरतुस तो वे छह लख रुपये जमा कराए ना ये तो बिजनेस है बिजनेसमैन है बिजनेस अस्पताल के मे अस्पताल डॉक्टर खोलता पह दिन तो इनको तो सिस्टम है जो बहुत दुनिया में पैसा अचन गरीब गरीब छो थे गरीब के कड़ो मिलो अज भी मन नाजी बीबी के चवान तो अड़ा खोड़ कैंसर जहाँ मरीज मुफ्त में कराए दिखारे न कंदा बाकी ये अस्पताल शौकत खान अस्पताल दिखे फलान अस्पताल दिखे गरीबन के क्यों नहीं वाकई में इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि शौकत खान हॉस्पिटल किस लिए बनाई गई गरीबों के लिए ना तो वाकई में वहाँ पे गरीबों का बिल्कुल फ्री इलाज क्यों नहीं होता गरीब कहाँ से पैसे लाएगा और जबकि 5 लाख का आप लोगों का मेडिकल कार्ड भी है केपीके में उसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि नहीं भाई वो सर वाली बातें हो गई कि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो बीमार बंदा है वो बेचारा वैसे ही ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैं उर्दू में बताऊँ साजिद एक गुजर है अभी भी आप उसको लेन पर मैं ले सकता हूँ उसका बाप बीमार था हाफिजाबाद में कैंसर का डिक्लेयर हुआ तो उसकी इंक्वायरी की कहा भाई 10 लाख रुपया तुम्हारी मालियत प्रॉपर्टी है 5 लाख जमा करो नहीं करेंगे। सर बाप ने अपनी एक एग्जाम्पल दे दी ऐसे ही मेरे पास भी एक उनका ताल्लुक MQM से था ठीक है मतलब महाजिर थे वो उन्होंने तो बहुत तारीफ़ की थी मुझसे इस तरह से कोई मिले थे अच्छा। तो उनकी भी किसी फैमिली में से करीबी किसी का इलाज वहाँ पर हुआ तो वो तो बिल्कुल मुतमिन थे ठीक है 100 मुंह 100 बातें हाँ, ये बातें हो सकता है 100 मुंह 100 बातें मरीज दे देता हूँ आप मेहरबान करें आप उसकी इन्फॉर्मेशन सर मरीज कोई ऑथेंटिक मरीज हो ना फिर कैंसर के मरीज देता हूँ कैंसर के वो आप करवा के देखा गरीब है फिर फीस अबिल्ला करवा के देखा सर आपके सर मैं ये कहूंगी कि अगर नून लीग में से नवाज शरीफ की फैमिली में से किसी को कैंसर हुआ तो उसका फ्री में इलाज शौकत खाना में इंशाल्लाह हो जाएगा। बेगम कल्सुम नवाज को आप लोगों ने ऑफर क्यों नहीं दिया आपको देनी चाहिए थी ना खान साहब की तरफ से उनको भी ऑफर है वो तो खुद ही वहां पे चले गए वो यहां तो आपको डबल पैसा दे खान साहब सर अमीर है तो क्या मतलब अमीर है तो मुल्क से बाहर चले जाए लंदन में इलाज होता है और कहीं नहीं मैं आपको फैसिलिटी ज्यादा मैं आपको बताऊं कि फैसिलिटी ज्यादा है ना नहीं नहीं सर आपको बताऊं मेरी पूरी फैमिली इंग्लैंड में ही रहती है ठीक है और मेरे कुछ फैमिली के बच्चों के वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह भी हुए मेरी एक आंटी को भी कैंसर था जो के बच के नहीं आई थी उनकी वहाँ पे लंदन में भी डेथ हो गई थी तो पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं इतनी अच्छी एजुकेशन है अगर पाकिस्तान में ये करप्ट जितने किंग बन के बैठे हुए ना ये ना हो ना तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अच्छा ज़ारा मैं आपसे पूछूंगी कल इमरान खान साहब मुबशर के साथ बैठे थे इंटरव्यू ले रहे थे ना तो उन्होंने कहा 2013 का जो हमने इलेक्शन हारा था वो उन लोगों को हमने टिकट दी थी जिनको इलेक्शन लड़ना नहीं आ रहा था अभी हम उनको टिकट दे रहे हैं पार्टी की जो जिनको पता है इलेक्शन कैसे जीती जा सकती है ये क्या तरीका है मतलब सारे वही लोग जो नून लीग में हो या पी पी में हो
वो दोबारा आपके पास आ रहे हैं, तो क्या मतलब आप उस हिसाब से आप इलेक्शन जीतोगे? तो ये आपका मंशूर कहाँ गया कि यहाँ यंग ब्लड आएगा, नौजवान नस्ल होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, वो तो नजर नहीं? देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे, ठीक है, डॉक्टर साहब ने हम सबको कहा था, बहुत सारे डॉक्टर है, सुनिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ठीक है, उन्होंने, हम चार पांच लेडीज इनके टूर पे बैठे हुए थे, तो सर ने कहा कि आप लोग जो है अपने फॉर्म जमा करवाएं, ठीक है, एन ए पे भी करवाएं, पी एस पे भी करवाएं, ठीक है। अब मुझे भी उसमें से मुझे भी कहा गया, और भी बहुत से लोग हैं जो मुझे पार्टी में कहते हैं सीनियर लीडरशिप में कि आप टिकट जमा करवाएं, मैं खुद नहीं करवा रही, मैं यंग नहीं हूँ क्या, मुझे भी ऑफर मिली है पार्टी से, लेकिन मैं नहीं करवा रही, मेरी अपनी कोई मसरूफियात हैं कि जिसकी वजह से मैं नहीं पार्टिसिपेट कर रही इलेक्शन में, तो मुझे लगता है कि मैं अभी उस इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हूँ। तो शायद अब जैसे सर जैसे हैं, मुझे नहीं पता कि एमपीए बने या एमएनए बने, मुझे लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियन मेकर है ना, ये तो किंग ऑफ मेकर है, क्या कहें, ठीक है, ऐसे मैं कहती हूँ कि जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं उनको पहले, जो हमसे 10 से पहले 15 साल पहले के पार्टी में काम करें, पार्टी उनको पहले टिकट इशू करे, फिर हमारा यूथ तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह 5 साल बाद अगले इलेक्शन में मे बी मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। तो वो जो जितने, अगर ये बात कही जा रही है, देखिए अगर ये कि वो आपको आने देंगे, आप देखो अगर देखे अगर ये कहा जा रहा है कि खान साहब यंग लोगों को टिकट नहीं दे रहे या यूथ नहीं आ रही, यूथ को ऑफर दी जा रही, खान साहब ने खुद बोला है, रात मैंने खुद सुना है अपने कानों में, वो नेट पे इंटरव्यू भी होगा कि मैंने टिकट उनको दिया है जिनको पता है कि इलेक्शन कैसे जीता जा सकता है। एक बात बताऊँ कि अभी मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे एक अंकल को टिकट मिला है, झेलम से है हम लोग, तो उनको टिकट मिला और वाकई वो विलिंग थे, और वो 2013 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, पहले एमपीए भी रहे हैं, एमएनए भी लिए, नाम नहीं मैं उनका लूंगी, तो उससे पहले वो दूसरी पार्टीज में थे, वो जीते भी थे, लास्ट ईयर उन्होंने अपनी अपना इलेक्शन में वो भी थे, उनके भाई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके, वो देखें अगर वो अपनी उस सीट से जीते नहीं थे लेकिन उनका वोट बैंक अच्छा था, लेकिन उन्होंने दोबारा भी इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट किया, उनको टिकट मिला है, ठीक है, और विलिंग थे, तो खान साहब ने देखे, खान आप कह रही कि खान साहब नए लोगों को टिकट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पिछले इलेक्शन के भी लोगों को टिकट मिल रहा है हमारी पार्टी, नए लोगों को तो नहीं दे रहे, जो दूसरी पार्टी के उनको दे रहे हैं, मैंने ये नहीं दूसरी पार्टी क्या मतलब वो हाँ। वो उसी इसी पार्टी में थे जिनको मेरे अंकल को जिनको मिला है टिकट, वो इसी पार्टी में पहले भी थे, अब भी उनको मिला है टिकट। अच्छा सर कल तव्हांजा 6 एम एन ए 2 एम पी एस उहे बि अलविदा चई विया, ऐं उन्हनि ॻाल्हि कई ॾखण पंजाब सूबे जी, हे छा पहिरियों असां सिंध सूबे जी चवंदा, कराची सूबो अलॻि कयो वञे, हाणे ॾखण पंजाब सूबे जूं बि ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। अलविदा असांखे चई आहिनि, अलविदा चई आहिनि, अलविदा त पोइ सच आहे, तव्हां ॾाढो टिपिकल वर्ड इस्तेमालु कयो न, अलविदा तव्हां चई आहिनि, जी सर अलविदा चई विया आहिनि, ऐं तव्हां बि एॾो बेरुखी जवाबु ॾिनो आहे, फ़र्क़ु ई नथो पए भले वञनि टे टे माण्हू हुन जॻहि ते मौजूदु। सवाल आहे त पार्टियूं तहरीक हूंदियूं आहिनि, इहे पार्टियूं कॾहिं ख़तमु न थींदियूं आहिनि, पीपल पार्टी जी चेयरपर्सन हुई बेनज़ीर साहिबा, शहीद बेनज़ीर साहिबा, ऐं उन में 96 में जेका इलेक्शन थी 1996 में, उन में कुल 16 सीटूं हुअसि, छा पीपल पार्टी ख़तमु थी वई? इहे माण्हू छा आहिनि, इहे ॾेढर हूंदा आहिनि, ॾंढ ॾंढ जा ॾेढर, कंहिं महिल हिन पासे हूंदा आहिनि, कंहिं महिल हुन पासे हूंदा आहिनि, कंहिं पासे मुंहिंजो उन्हनि जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त पार्टियूं बदिलाइनि। अच्छा, ऐं अहिड़ा खोड़ माण्हू असांजे बि आया, हाणे काफ़ लीग हुई, काफ़ लीग में खोड़ माण्हू असांजे बि आया, रमेश कुमार काफ़ लीग जो खोड़ आया, अञा त वेठा आहिनि, जेके असांखे ताना मिलंदा आहिनि त यार ही त माण्हू परवेज मुशरफ सां गॾु हिननि कमु कयो आहे, वेठा आहिनि, केरु था चवनि त हीअ त झुमिरी वणंदा, परवेज़ इलाही अॻियां उहे झुमिरी वणंदा, असांजी बि ग़लतियूं आहिनि त असां हुनखे छो ॾिनोसीं अमित। अच्छा, ऐं इहो डिसाइड थियो हुयो सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग में डिसाइड थियो हुयो त मियां साहिबु असां कयूं सेंट्रल वर्किंग कमेटीअ खां इजाज़त पियो वठे त काफ़िली जा माण्हू जेके अचनि था चाहे हुननि खे अचणु ॾियूं, पीर त मियां साहिबु हुन जद ते बीठो त न की हिननि खे न खणंदासीं, पर पोइ अहिड़ा हालात थियनि था जो इहो डिसाइड थियो हुयो त हिननि खे आंदो वेंदो, पर हे पोयूं सीटुनि ते हूंदा, अच्छा अॻियनि सीटुनि ते न विहंदा, पर ॿिनि टिनि चइनि महिननि महिननि खां बाद में 6 महिननि खां पोइ ॾिठोसीं त असां जहिड़ा जेके सियासी ऐं मुस्लिम लीग जा असां कमेंटेड दोस्त जेके आहे उहे पोइ ते हलिया विया, ऐं लोटा जेके हाणे इहो मसइलो न आहे, छाकाणि वोट जेको थींदो आहे न उहो पार्टी जो थींदो आहे, पार्टी लीडर जो थींदो आहे। कल रमेश कुमार चवे पियो, उन ॾाढी अजीब सी ॻाल्हि की पोइ ख़बर न आहे सचा लाइ की चई मां जंहिं बि पार्टी में वेंदो आहियां उते बरकत खणी वेंदो आहियां, ऐं हाणे पीटीआई लाइ मां लकी साबित थींदमि,
इहो छा मतिलबु इहो कि छा मतिलबु चवण जो ऐं 35 लख वोट चवे थो माइनॉरिटीज़ जा मूं वटि आहिनि जेके मां पीटीआई सवाल ई कोन्हे कुझु रमेश कुमार खे 35,000 वोट हुजनि या हुजनि ईअं चवनि था बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट वारो मसइलो आहे जो गरज थिए बरसते नही आहे जी इहा बि ॻाल्हि आहे हाणे जो वेठो हिकिड़ो माण्हू वॾी कमाण कयो हाणे त मूं वटि एतिरा लख वोट आहिनि मां फलाणा टीरा इहो त न हल थींदो आहे वोट हक़ीक़त ॿुधायो त हा कैंडिडेट जेको थिए थो न उनखे रियलिटी मां आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट है अंदुन चंद थे जो बडेर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4,000-5,000 वोट अपने होते हैं और दूसरे जो वोट उसको पड़ते हैं वो पार्टी के पड़ते हैं 5,000 से ज़्यादा कोई बडेरा नहीं है सिंध में जो उसको ज़्यादा वोट हो और वो MNA या MP के लिए लड़ रहा है पार्टियाँ इसलिए तो पार्टियाँ बदलते हैं अगर वो अगर वो बडेरे के पास अगर ये रमेश कुमार पता नहीं क्या क्यों अकेले की सीट पर आता है लड़ो ना इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ो पता पड़ जाएगा आपको नहीं वो तो उसने डिमांड की थी कि रिजर्व सीट होनी नहीं चाहिए थी उस पे लड़ना चाहिए वो ये ऐसे खुद ऐसे कहते हैं नहीं होना चाहिए तो आ जाते तो रिजर्व सीट पे है ना सर आते तो रिजर्व सीट पर कभी जनरल सीट से आया है क्या हां अच्छा जरा वाकई में जी रमेश कुमार डॉक्टर आमिर लियाकत ये सारे वैसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो पीटीआई को बहुत बुरा भला कहते थे अब एकदम से पीटीआई के दोस्त हो गए हैं जैसे कुछ अरसा पहले नबील गबोल का आपको पता होगा कि MQM में चले गए थे पीपी के खिलाफ हो गए थे फिर दोबारा से पीपी में आ गए तो ये सियासत में क्या ड्रामा ऐसे तो नाज बलोच भी है हाँ आप जी 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 पीपी में गई फिर हमारे पास आई फिर पीपी में चली गई ना फिर पीपी में वापस चली गई तो ये लोटो वाला सिस्टम सही है सीन अच्छा है और ऐसे लोगों के आने से पीटीआई की जो लेवल वो बढ़ जाएगी देखिए एक बात बताएं कि पीटीआई में कोई जा रहा होता है हमें उसका दुख नहीं होता कोई आ रहा है तो हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं जो जाता है आप कहते हैं वो काम का ही नहीं था हमने कब कहा कि वो काम का सब ये कहते हैं या दूसरे आपके सारे असद उमर जिनके भी आप इंटरव्यूज देखें 100% हमारे काम के नहीं था 100% कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है ठीक है बेशक ठीक है हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है ठीक है या फॉल्ट होता है कोई ना कोई हर बंदे में ठीक है कोई बंदा परफेक्ट इस दुनिया में नहीं है ठीक है हर बंदे में क्या नाज बलोच में कोई ना कोई क्वालिटी होगी जो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सके वो लोग यूटिलाइज करेंगे आमिर लियाकत साहब हमारी पार्टी के खिलाफ इतनी बातें करते थे अब आप देख लें कि उनकी मूवमेंट की अभी खान साहब का जब सिंध का टूर हुआ है 2 दिन का नवाब शाह का और ये हैदराबाद में जो हमारा वुमेन विंग का सिंध का अभी हम लोग ने कन्वेंशन रखा था कि वो कन्वेंशन में भी आए लेडीज़ के कन्वेंशन में भी आए हर जगह पे वो वर्किंग कर रहे हैं ईमान उनका बदल गया अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी है और हमारी दुआ है कि अगर वो हमारी पार्टी में आए तो सिंसियरिटी के साथ चलें इस मुल्क के साथ सिंसियर हो जाएं और अपने ईमान के साथ पार्टी में तो उस बंदे का ईमान है आमिर लियाकत का वरना उनका ईमान मैं एक बात हूँ हमारी पार्टी में जो अब वो आ गए हैं तो मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि वो किसी और पार्टी में जाएंगे जो इज्जत उनको यहाँ मिली है वो इज्जत और रिस्पेक्ट उनको कहीं पे पहले मिली भी नहीं थी अच्छा खैर नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ असां कर्नल जोसेफ ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं कर्नल जोसेफ आख़िर आहे केरु सो फिलहाल वठो ब्रेक स्टे विद अस वेलकम बैक नाज़रीन जी नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां अॻु में मां ॻाल्हि कयमि त अमेरिकी सफारतकार जंहिं 2 ॾींहं पहिरियों इस्लामाबाद में हिकिड़े मोटरसाइकिल खे हिट कयो हुन जी गाॾी हुन जे नतीजे में हिकिड़ो वीचारो छोकिरो शहीद थियो मर्डर कयो वियो ऐं हुन खां पोइ तव्हांखे ॿुधायूं वयूं त हिकिड़े वीचारे जूं ॿई लेग्स डैमेज थी वियूं सर इहा त ॾाढी ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि आहे त वाकई में असांजा जेके सफारतकार आहिनि जेके ॿिए कंहिं मुल्क मां अचनि था उहे हिते अची पंहिंजे असांजे पाकिस्तान खे पाण ईअं सम्झणु खपे त पंहिंजी मिल्कियत सम्झणु शुरू कंदा आहिनि हुननि में न को ख़ौफ़ हूंदो आहे न भउ हूंदो आहे छाकाणि त हे जंहिं माण्हू एक्सीडेंट कयो हिकिड़ो माण्हू मरी वियो शहीद थी वियो वीचारो ॿियो गुला मरी वियो ऐं ॿिए जूं जंगा ॿई ख़तमु थी वियूं आहिनि त हीअ अमेरिकन काउंसिल सां जो तालुक़ु हुयो अमेरिका पाण खे सुपर पावर सम्झे थी दुनिया जो सुपर पावर आहे किंग ऑफ द वर्ल्ड सो हाणे किंग ऑफ वर्ल्ड जे पर मां सलाम थो कयां इस्लामाबाद जी पुलिस खे त हुननि तंहिं वक़्त में ई हुनखे जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िलु कई ऐं गाॾी जेका हुई कौंसुलेट जी गाॾी हुई उनखे थाणे ते खणी वञी बीहारियूं हुनजी जाच हले थी ऐं इमीडिएटली फॉरन अफेयर्स वारनि मुंहिंजे सफारतखाने सां कॉन्टेक्ट में आया त हीअ ज़्यादती आहे हीअ न थींदी ऐं कोशिशि इहा थींदी इनशा अल्ला ताला
हिम्मत मिलंदी पाकिस्तान गवर्नमेंट को कैं भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम लीग नून की हो या कैं हो तो उन्होंने जो खून रहगा न वे अच्छा पर सर ये लगे को ना तो जे गालियों थे लंदर रेमन डेविस वांगुर हे किसो भी में सॉर्ट आउट कयो वे दो दिए जो गाली की असा जे आइन में कानून में एडी गुंजाइश हुए हैं दियत आ जी दियत जो बाबा सर इस्लाम में भी आए इस्लाम में भी आए हाने भी रखियो तो वो तो दियत दे करे पान के भजी हले हो पर जकरे वो असा उन के दियत न वठू आ तभी वरी असा दुनिया में बदनाम थे मुल्क मुसलमान मुल्क है दियत के रिफ्यूज कर इस्लामी कानून के रिफ्यूज कर वजह मसला थन्दा पर समझा यह वही गाल उनकी गाड़ी जी काउंसिल अमेरिकी काउंसिल की गाड़ी थाने से बीठी हुए या वो उनके मतों FIR दाखिल इमीडिएट FIR दाखिल थी वही उनके कौंसुलेट से गाले हुए तो यह भी तमाम बेहतर गाल समझा तो इन कानून पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक उनके सजा मिलन अरे सर चयो तो इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूके केस वेंदो प्लानिंग थी थे ये करे सकंदा जो पाकिस्तानी अलाए जो हिम्मत न कंदा है अमेरिका जो जिते भी नालो इंदो आ उते पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो बिल्कुल चुप थी वेंदा है या गाल समझ में नहीं दिया पॉलिटिशियन सर मानु वरी भी रडियम कंदा है मां मां के बताया तो पर मुशरफ एकड़ी फोन आई द दृष्टि होयो सर वही तो गाल क्यों ता ने ती छो आ ये छो अमेरिका जी की अमेरिका के अदा अदा शुरू करे छड्या हुई हां आ है छाकाण तो असा में एतरो असा दे में ईमान की कुवत ना है ईमान अच्छा पो उने अगस्त दिसो ये नवाज शरीफ साहब के ये अला केतरी फोन आयो आई उने के रिक्वेस्ट कई वे ते एटम बम जो धमाको न कर उने चत न पंजा पंजा एटम बम जो धमाका जे करे इंडिया करे दे तो शाह एटम बम जो धमाका सा कंदा सर एटम बम जी हिम्मत के बे कही चलो भाग हमेशा नवाज शरीफ जो थिंदो आ तो उन जी हुकूमत में कई ना कई सुठी गाल थी जी ना अजीज आ अभी सर ने मान जो मान जो जिक्र किया पो तो ये तन तन की नहीं नहीं सर जरूर चो सर पर टाइम वो घटा उनका तन की तो पो ना जा तन की के बदो जी सर ही जो को एटम बम जो सिलसिलो हलो यो भुट्टे साहब के जमाने का जदी 71 72 के जमाने का हलो है यो हलदो रहंदो है दिया हे चाइनीज सा सा जो मुआयदा पे अचन ये भुट्टे साहब के जमाने भुट्टे साहब के जमाने हलंदा छाकाणि गवर्नमेंट जो हलंद पर हलंद उनकी कंटिन्यूसी उनकी पॉलिसी के इंदी है पर जै जमाने में जो वो करे तो जैसे में हाँ एक बंदूक तुझे घर पई आ तो खबर बेन के खबर कान तो बाबा समर के घर में बंदूक ही पई आ पर जैसे तू बंदूक से फायर कंदी है तो पाड़े वाले खबर पवी बाबा समर के बंदूक भी आए तो फायर जो थे नवाज शरीफ जमाने में अच्छा जी सर ने अभी नवाज शरीफ की इतनी तारीफें कर दी हैं सर एक बात बताएं अभी आपने ये बात की कि आइटम बम उसके टाइम पे उन्होंने ये इस मिसाइल का जो है तजर्बा किया ठीक है जिसने आइटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर उसका कहीं नाम ही नहीं है देखें ठीक है देखिए कुर्बानी मेन चीज़ वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उसका नाम होना चाहिए उसने बनाया उसका नाम नहीं उसकी हुकूमत में हो गया चलो जी नाम हो गया ठीक है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो दूसरी हुकूमत बना के जाती है काम उस पर दूसरे लोग आके करते हैं नाम उनका हो जाता नाम है ठीक है अब आपने जो अब वो तो खुशकिस्मती हुई ना मैं वही कह रही हूँ नवाज शरीफ साहब की थोड़ी खुशकिस्मती हाँ वो उनकी गुड लक हो गई थी वरना उनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि जो उन्होंने बुरा हाल हमारे मुल्क का किया है बी सेंसिटिव होके सोचें आपके भी घर में बच्चे हैं आगे भी उनकी आपकी जनरेशन ने चलना है क्योंकि आइंदा फ्यूचर में मुझे पाकिस्तान वो जो पाकिस्तान की जो ब्राइटनेस है वो नज़र नहीं आ रही जो कायदे आज़म ने या हम जो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था इतनी कुर्बानियों से क्या नाम है देखिए बहुत मुश्किल से पाकिस्तान मिला है बहुत जाने कुर्बान बहुत जाने कुर्बान कुर्बान करके दाते घर बार छोड़ के पता नहीं कोई इंडिया चला गया कोई इंडिया से यहाँ हम लोग तो सिर्फ बात करते हैं कि भाई ये जी जरदारी हो गया ये नवाज शरीफ हो गया ठीक है कभी हमने उनकी बात की जो सरदों पे बैठे हुए उनका तो कभी जिक्र टीवी पे भी नहीं आया इतने सारे जवान यकीन माने मिलिट्री के लोग कैप्टन हो गए मेजर्स हो गए ठीक है वो शहीद हो रहे उनकी वजह से आज हमारा मुल्क चल रहा है फौज की वजह से वरना इन 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 जितने भी सियासतदान हैं इन्होंने तो हमारे मुल्क का कबाड़ा कर दिया अब इनको शर्म आनी चाहिए इनको डूब मरना चाहिए यकीन माने मेरे हाथ में एक भी आ रहा नहीं है कि फौज मतलब फौज होनी चाहिए फौज को नहीं फौज देखिए फौज को फौज की वजह से हम इतना चल रहे हैं ठीक है
वरना अमेरिका हम पर कब से हमला कर चुका होता। अभी थोड़े दिन पहले आपने अफगानिस्तान में देखा होगा कि वो जो बच्चों वाला हादसा हुआ कि वो बच्चे सारे हाफिज़े कुरान थे और उनके ऊपर बमबारी की है। आप देखेंगे ये हो क्या रहा है। आप अभी मलाला को देख लें, वो आई है, कौन सा कारनामा मलाला ने अंजाम दिया है कि उसको जो है इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। ठीक है, नहीं देखें ये इस बात पे कोई सियासत ना करे बंदा तो ज्यादा बेहतर है, पर चले मलाला ने टफ टाइम भी देखा था, उस पर हम कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। मुझे ये बताए कर्नल जोसेफ का क्या होगा, रेमंड डेविस की तरह इसे भी फ्री किया जाएगा? नहीं, इसको फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेमंड डेविस को इस्तिस्ना नहीं थी, उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी कि अमेरिका में ये है क्या, क्योंकि बहुत शक जा रहे थे ना कि हो सकता है किसी का एजेंट हो या कुछ और हो। इनको इस्तिस्ना है, ये सिफारतकार है वहाँ पे इस्लामाबाद में अमेरिकन, तो इनको तो इस्तिस्ना है, ये तो बच सकते हैं ना जब वो, लेकिन मेरे ख्याल में रेमंड डेविस को इस्तिस्ना नहीं थी, उनको ना कोई जॉब थी ना कोई। देखिए अमेरिका में अगर हमारा पाकिस्तानी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो वो लोग वहाँ पे पनिश करते हैं। ठीक है, हमारे आजम कपड़े उतार देते हैं चेकिंग करवाने के लिए। और ठीक है, तो यहाँ पे अगर उनके साथ उन्होंने कोई उल्टी हरकत की है, जो भी उनका इशू चल रहा है उस पर उनको पनिश देनी चाहिए। हमारे यहाँ भी कोर्ट है, तो कोर्ट किस लिए होते हैं? तो जब तक इन लोगों को पनिश नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हर चीज में मेरे ख्याल लॉ होना चाहिए। ये थोड़ी है कि मतलब इसकी जगह कोई गरीब करे तो उसको उठा के जो थाने में या बंद कर दो जेल के अंदर या उसको फांसी दे दो। नहीं, गरीब को तो नहीं छोड़ते। अच्छा सर, आखिर में मताखा पूछ दम, तो वाकई में आखिर कड़ी गाल रेमंड डेविस जो किस्सो हो, उनमें भी नून लीग की गवर्नमेंट जो नालो पे अचे, हाँ ही किस्सो थोड़ा भी नून लीग के बीच में न अची वी। बहरहाल खातिर बगैर कानून के का भी इनके रियायत कान दींदा। अच्छा, कानून मुताबिक इन बचो केस भी हलो, कानून जो चवंद जो इंटरनेशनल कोर्ट में चवन तो वनस फलान जो भी कानून होंगे उन अमल। होप सो। थैंक यू सो मच सरदार ज़ैन साहब, तुम वही मेहरबानी। ज़ारा नाज़ी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शो में आज नाजरन। ये असो अजो शो हो, इनशाला वरी तुम मुलाकात थी। मुख्य इजाज़त, अल्लाह हाफि।